नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे और फैक्ट चेक के साथ मैं हूं अनंत भट्ट। सोशल मीडिया का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है, यहां पल में कोई भी हिट हो सकता है और पल में कोई भी हिट विकेट भी हो सकता है। अगर आपने सावधानी नहीं बरती तो आप परेशानी में भी पड़ सकते हैं। आप सावधान रहें, सतर्क रहें, यही हमारा उद्देश्य है, यही हमारा मकसद है। और आप तक सही जानकारियां पहुंचे, कोई गलत सूचना आप तक ना पहुंचे, इसलिए हम करते हैं वायरल सूचनाओं, खबरों, वीडियो, तस्वीरों का फैक्ट चेक, ताकि आप पूरा सच जान सकें। तो चलिए शुरू करते हैं अपना यह सफर। सोशल मीडिया पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी का एक 42 सेकंड का वीडियो क्लिप वायरल हो रहा है। इस वीडियो में राहुल गांधी को यह कहते हुए सुना जा सकता है कि इस मामले में उनकी गांधी जी से सीधी बातचीत हुई है, डायरेक्ट डिस्कशन हुआ है। अब इस क्लिप को लेकर उन पर तंज कसने वालों की भी कमी नहीं है, लेकिन पूरा सच क्या है इसकी हमने पड़ताल की, नतीजा अब आपके सामने है। सोशल मीडिया पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि उनकी महात्मा गांधी जी से बात हो चुकी है। इस वायरल वीडियो में राहुल गांधी क्या कह रहे हैं, पहले आप ये सुनिए। इस मामले पे मेरी गांधी जी के साथ बातचीत हुई, डिस्कशन हुई, और मेरा पूरा मन, मेरी पूरी लॉजिक कह रही है कि इस मामले में गांधी जी गलत बोल रहे हैं और मैं सही बोल रहा हूं। मगर मैं जानता हूं, अंदर से मैं जानता हूं कि मेरा दिमाग कह रहा है कि वो गलत है और मैं सही हूं, मगर मैं जानता हूं कि वो सही है और मैं गलत। राहुल गांधी के इस वीडियो को देखकर यूजर्स हैरान हैं। दरअसल गांधी जी की मृत्यु साल 1948 में ही हो गई थी, जबकि राहुल गांधी का जन्म 1970 में हुआ था। जाहिर है राहुल गांधी की महात्मा गांधी जी से मुलाकात संभव नहीं, ऐसे में लोग सवाल उठा रहे हैं, राहुल गांधी इतनी अजीब बात कैसे कर सकते हैं। वीडियो पर कमेंट करते हुए बहुत सारे लोग राहुल गांधी पर तंज कस रहे हैं। एक ट्विटर यूजर ने इसे पोस्ट करते हुए राहुल गांधी पर तंज कसा, इस व्यक्ति ने गांधी जी से डायरेक्ट बात की है और ये एक कांग्रेसी इसे प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। वायरल वीडियो के पड़ताल के लिए हमने सबसे पहले कीवर्ड सर्च किया तो हमें पता चला कि वीडियो राहुल गांधी के फरवरी 2022 के एक भाषण से लिया गया है, जो उन्होंने गुजरात में आयोजित कांग्रेस के चिंतन शिविर में दिया था। ये शिविर गुजरात के द्वारका में 25 से 27 फरवरी तक चला। इस शिविर के जिस भाषण का एक हिस्सा वायरल हो रहा है, वो कांग्रेस पार्टी के यूट्यूब पेज पर 26 फरवरी को पोस्ट किया गया था। कांग्रेस पार्टी के यूट्यूब चैनल पर 26 फरवरी को पोस्ट किए गए वीडियो में राहुल गांधी कहते हैं कि मेरे परदादा भी गांधी जी के साथ काम करते थे, मैंने उनकी एक चिट्ठी पढ़ी जो उन्होंने गांधी जी के बारे में किसी को लिखी। मेरे परदादा भी गांधी जी के साथ काम करते थे, मैंने उनकी एक चिट्ठी पढ़ी जो वो गांधी जी के बारे में किसी को लिखी उन्होंने। आपको बात समझ आ जाएगी, चिट्ठी में नेहरू जी लिखते हैं कि इसके बाद राहुल गांधी ने जो कुछ कहा वही वायरल हो गया, मतलब राहुल गांधी के बयान का शुरुआती हिस्सा एडिट करके हटा दिया गया और उसके बाद कई बातों को वायरल कर दिया गया, जबकि वास्तव में राहुल गांधी वीडियो में जो कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं उसमें वो अपनी बात नहीं कह रहे बल्कि नेहरू जी की लिखी बातों का उल्लेख कर रहे हैं। चिट्ठी में नेहरू जी लिखते हैं कि मैं इस मामले पे मेरी गांधी जी के साथ बातचीत हुई, डिस्कशन हुई, और मेरा पूरा मन, मेरी पूरी लॉजिक कह रही है कि इस मामले में गांधी जी गलत बोल रहे हैं और मैं सही बोल रहा हूं, मगर मैं जानता हूं, अंदर से मैं जानता हूं कि मेरा दिमाग कह रहा है कि वो गलत है और मैं सही हूं, मगर मैं जानता हूं कि वो सही है और मैं गलत हूं।
गुजरात के जिस चिंतन शिविर में राहुल गांधी ने ये बात कही थी उसके बारे में मीडिया में कई रिपोर्ट्स भी छपी थी। इन रिपोर्ट्स में वायरल वीडियो से मिलते जुलते स्क्रीनशॉट को भी देखा जा सकता है। यहाँ हमारी पड़ताल में साफ हो गया कि राहुल गांधी के एक पुराने भाषण का छोटा सा हिस्सा इस तरह शेयर किया जा रहा है कि उनके बयान के बारे में भ्रम हो। राहुल के बयान का जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है वो अधूरा है। पूरा वीडियो देखकर पता चलता है कि जब राहुल ने ये बयान दिया था तो वो अपने परदादा जवाहरलाल नेहरू के एक पत्र की बात कर रहे थे। दरअसल नेहरू ने इस पत्र में लिखा था कि उनकी गांधी जी से विषय पर बात हुई है। ज्योति द्विवेदी के साथ टीम फैक्ट चेक, गुड यस्टरडे। सोशल मीडिया पर इन दिनों एक पोस्ट वायरल हो रहा है जिसको लेकर यह कहा जा रहा है कि किरायेदारों को अपनी जेब ढीली करनी पड़ेगी क्योंकि केंद्र सरकार ने किराए पर 18% जीएसटी लगाने का फैसला किया है जो लागू कर दिया गया है। आखिर वायरल दावे में कितनी सच्चाई है, इसकी पड़ताल जरूरी थी। हमने पड़ताल की तो पूरा सच सामने आ गया। केंद्र सरकार ने पिछले दिनों कई सामानों के साथ साथ कुछ सेवाओं को जीएसटी के दायरे में लाया, साथ ही जीएसटी की दरों में भी वृद्धि की गई, जिसके बाद विपक्ष ने सरकार पर निशाना साधा। धरना प्रदर्शन भी किए गए, केंद्र सरकार से सवाल दागे गए। जीएसटी पर चल रहे तर्क वितर्क के बीच इन दिनों सोशल मीडिया पर एक पोस्ट काफी तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल पोस्ट में दावा किया जा रहा है कि अब केंद्र सरकार किराएदारों से भी जीएसटी वसूलेगी, यानी कि जो किराएदार अपने मकान मालिक को मासिक किराया चुकाते हैं उस पर जीएसटी देना होगा, वो भी 18%। कई सोशल मीडिया यूजर्स इसे इसी दावे के साथ अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर भी कर रहे हैं। अब वायरल दावों में कितनी सच्चाई है, हमारी फैक्ट चेक टीम ने इसकी पड़ताल करने का फैसला किया। अगर देखें तो नए नियम के मुताबिक 18 जुलाई से अब जीएसटी रजिस्टर्ड कारोबारी अगर कारोबार का संचालन करने के लिए कोई मकान या घर किराए पर लेते हैं तो उन्हें 18% की दर से किराए पर जीएसटी का भुगतान करना अनिवार्य होगा। इससे पहले केवल कमर्शियल संपत्ति पर ही जीएसटी वसूला जाता था। आवासीय इस्तेमाल के लिए कॉरपोरेट हाउस या इंडिविजुअल अगर कोई मकान या प्रॉपर्टी किराए पर लेते थे तो उस पर जीएसटी नहीं लगता था। जीएसटी के नए प्रावधानों के मुताबिक मकान के किराए पर जीएसटी का भुगतान तभी करना होगा जब किराएदार जीएसटी कानून के तहत रजिस्टर्ड हो और वो जीएसटी भुगतान करने के दायरे में आता हो। अब वायरल पोस्ट में कितनी सच्चाई है, हमारी फैक्ट चेक टीम ने अपनी पड़ताल को आगे बढ़ाया। हमने कीवर्ड सर्च का सहारा लिया। पड़ताल के दौरान हमें एक अंग्रेजी अखबार की रिपोर्ट मिली जिसमें बताया गया कि नए नियम के मुताबिक रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म यानी कि आरसीएम के तहत मकान किराए पर 18% जीएसटी लगेगा जिसका भुगतान किराएदार को करना होगा। साथ ही रिपोर्ट में ये भी बताया गया कि वेतनधारी लोगों को इसका भुगतान नहीं करना होगा, इसमें वही लोग आएंगे जिन्होंने जीएसटी नंबर ले रखा है और संपत्ति का उपयोग कमर्शियल के लिए करते हैं। साथ ही इस रिपोर्ट में ये भी साफ कर दिया गया है कि अगर कोई व्यक्ति जीएसटी के तहत पंजीकृत नहीं है तो किराए पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। क्लियर टैक्स के संस्थापक और सीईओ अर्चित गुप्ता ने भी वायरल दावों की पोल खोलते हुए यही बात दोहराई कि किराए पर हर किसी को जीएसटी नहीं देना होगा, बल्कि ये सिर्फ उन लोगों पर लागू होगा जिन्होंने जीएसटी नंबर ले रखा है और संपत्ति का इस्तेमाल कमाई के लिए करते हैं। साथ ही 40 लाख सालाना से कम की टर्नओवर वाली कंपनी भी इस दायरे से बाहर है। आगे की पड़ताल में हमें पीआईबी का ट्वीट मिला, इसमें भी साफ किया गया कि वायरल दावों में कोई सच्चाई नहीं है, हर किराएदार इसके दायरे में नहीं आता है। जाहिर है वायरल पोस्ट के साथ जो दावा किया जा रहा है वो गलत है। अगर कोई व्यक्ति अपने वेतन से किराए देता है तो उसे कोई जीएसटी देने की जरूरत नहीं है। ये उन्हीं लोगों पर लागू होगा जो जीएसटी के लिए पंजीकृत हैं और किराए वाले जगह का इस्तेमाल कमाने के लिए करते हैं। अर्पित बासु के साथ फैक्ट चेक टीम, गुड न्यूज टुडे। वायरल दुनिया में बहुत सारी बातें ऐसे भी होती हैं जिनको केवल सच और झूठ के तराजू में नहीं तोला जा सकता, उनको इस पैमाने पर केवल नहीं आंका जा सकता कि क्या ये एजेंडा के तहत चल रही हैं या फिर इनका कोई और मकसद है। कुछ बातें ऐसी होती हैं वायरल दुनिया में जिनको केवल हल्के फुल्के मजाकिया अंदाज में ही लेना चाहिए, जो सोशल मीडिया के हल्के फुल्के अंदाज को ही आपके हमारे सामने परोसती हैं। कुछ ऐसे ही वीडियोस हम आपके लिए लेकर आए हैं। दुनिया में तरह तरह के लोग रहते हैं, यहाँ टैलेंटेड लोगों की कोई कमी नहीं है, हर कोई किसी न किसी काम में माहिर है, लेकिन फिर भी कुछ लोग बेहद अनोखे और अलग होते हैं।
अक्सर ऐसे लोगों के लिए कहा जाता है कि इन्हें तो गॉड गिफ्ट मिला है। ऐसे एक बेहतरीन व्यक्ति का वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। इस व्यक्ति के हाथों में जादू है, इसका यकीन मानिए। वायरल हो रहे वीडियो को देखने के बाद आप इस कलाकार के मुरीद हो जाएंगे। इस वीडियो में ब्लैक ड्रेस पहने एक लड़की को देख सकते हैं। लड़की के सामने ही आर्टिस्ट खड़ा है और वो अपने उल्टे हाथ की हथेली पर ब्लैक पेंट से पेंटिंग बनाना शुरू। विदाई के दौरान दुल्हन का रोना काफी अहम है। अपने घर को हमेशा के लिए छोड़कर जाना किसी भी लड़की के लिए काफी मुश्किल होता है। विदाई के दौरान दुल्हन तो रोती ही है, बल्कि उसके साथ पूरे परिवार की आंखें नम हो जाती हैं। हालांकि इन दिनों एक ऐसा वीडियो वायरल हुआ है जिसे देखने के बाद हर कोई हैरान है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में आप एक दुल्हन को देखेंगे जो विदाई के दौरान काफी खुश लग रही है और मजाक के मूड में भी है। इस वीडियो में सोशल मीडिया ने धमाल मचा के रखा है। वीडियो में आप विदाई के दौरान दुल्हन के कार में बैठे हुए देख सकते हैं। दुल्हन काफी खुश लग रही है और अपनी सहेलियों से एक सवाल पूछती है। दुल्हन कहती है, तुम सब रो क्यों नहीं रही? इसके बाद सहेलियों का जवाब सुनकर आप हंसी से लोटपोट हो जाएंगे। दरअसल दुल्हन के सवाल पर सहेलियों का मजेदार जवाब आता है। वो कहती है कि उनका मेकअप खराब हो जाएगा, इसलिए वो नहीं रो रही। विदाई के दौरान ऐसा खुशनुमा माहौल कम ही देखने को मिलता है। दुल्हन और दुल्हन की सहेलियों ने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है। आजकल जिम जाने का ट्रेंड सा हो गया है। लोग सेहत का ध्यान रखने के लिए जिम में खूब पसीना बहाते हैं। आपने अक्सर जिम फ्रीक इंसानों को देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी किसी जानवर को जिम में पसीना बहाते हुए देखा है? हाँ, ये थोड़ा अटपटा जरूर है, लेकिन सच है। इन दिनों सोशल मीडिया पर एक ऐसा ही वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें आप एक जानवर को जिम में कसरत करते हुए देखेंगे। जिम कसरत कर रहा ये जानवर और कोई नहीं बल्कि एक बिल्ली है। इस बिल्ली को जिम में पसीना बहाने का शौक है और ये भी इंसानों को ही तरह एक्सरसाइज करती है। वीडियो में आप काले रंग की बिल्ली को देख सकते हैं जो कि पेट की एक्सरसाइज कर रही है। बिल्ली बड़े ही जोश के साथ आप्स के लिए क्रंचेस कर रही है। आप देख सकते हैं कि बिल्ली अपने शरीर को लेकर काफी सचेत है, उसका पूरा ध्यान एक्सरसाइज पर है। सोशल मीडिया पर इन दिनों मुर्गे और बंदर के बीच भयंकर लड़ाई का वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल क्लिप को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे दोनों के बीच जबरदस्त तरीके से WWE हो रहा है। वीडियो में जिस तरह से बंदर और मुर्गी के बीच फाइट हुई है, यकीन मानिए आपने इस तरीके की लड़ाई पहले कभी नहीं देखी होगी। वीडियो में देखा जा सकता है कि सड़क किनारे खड़े मुर्गे पर कैसे एक बंदर टूट पड़ता है।
इसके बाद WWE स्टाइल में उछल उछल कर उसे लातों से तो कभी उसकी गर्दन पकड़कर मुक्के मारता है। इस दौरान मुर्गा कभी खुद को बचाता है तो कभी बंदर के हमले का जवाब भी देता हुआ नजर आता है, लेकिन पूरी फाइट के दौरान बंदर मुर्गे पर हावी नजर आता है। बंदर का मन नहीं भरता तो वो लौट लौट कर मुर्गे को मारता है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई जानी दुश्मनी हो।